तो अखीर तक साथ देने की गल श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कही। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लोक सभा विच जो तिने खेती ऑर्डिनेंसा का जोरदार बीते दिन विरोध किया। दस दें कि लोड़ी अवस्था बारे सोध बिल बारे चर्चा दौरान किसानों का पक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लिया तो पहला किसान जथेबंदियों गल कर बार बार इस गल से जोर दिता गया श्रोमणी अकाली दल वालों की किसानों के नाल किसान जथेबंदियों गल कर इस बिल में लिया तो पहला श्रोमणी अकाली दल को भी ऑर्डिनेंस लिया तो पहला नहीं पूछा गया। जो वड्डा बयान जोड़ा है वो दिता गया। हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट विच भी यह मुद्दा चुकया सी। किसानों के शंकिया का मुद्दा उन्होंने वालों भी चुकया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने असी किसान व्यापारियों के आड़ती के नाल इस बारे गल की। किसानों की जथेबंदी अकाली दल को किसानों दी सारियां तकलीफां बारे पूरी जानकारी है। तिने ऑर्डिनेंसा का पंजाबियों से माड़ा असर पैण की गल सुखबीर सिंह बादल ने इस मौके पर कही। तिने ऑर्डिनेंसा से सुखबीर सिंह बादल ने अपना विरोध जोड़ा है जोरदार विरोध जाहिर किया। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लोक सभा तिने खेती ऑर्डिनेंसा का जोरदार विरोध किया। लोड़ीदियां वस्तां बारे सोध बिल बारे चर्चा दौरान किसानों का उन्होंने पक्ष रखा और एक बार फिर उन्होंने कहा कि लगातार ऑर्डिनेंस लिया तो पहला किसान जथेबंदियों गल कर इस पर उन्होंने बार बार इस गल से जोर दिता। श्रोमणी अकाली दल भी ऑर्डिनेंस लिया तो पहला नहीं पूछा गया। दस दें कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट के विच भी यह मुद्दा चुकया सी कि किसानों के शंके जोड़े ने दूर होने चाहिए ने उस तो बाद ही बिल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने असी किसान व्यापारियों के आड़ती इस बारे गल की। स्पीकर सर जून के महीने विच सेंटर की सरकार ने तीन ऑर्डिनेंस लियांदे जिन्हां कहा जाता सी कि किसानां दे हित विच ऑर्डिनेंस है। एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस अज डिस्कस हो रहा है। जिहड़े बाकी दो ऑर्डिनेंस है वो कल डिस्कस होणगे पर तिन्हां नूं इकट्ठे लैके ही सेंटर सरकार ने लियांदे सी। ऑर्डिनेंस कहा जाता है किसानां बारे है पर मैं एक गल बेनती करना चाहना। पहली गल ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। ऑर्डिनेंस लियाने तो पहले सारी जिहड़े किसान लोग है पार्टियां उन्होंने डिस्कशन करनी चाहिए सी। स्पीकर सर मैं एक किसान आप है साड़ी जिहड़ा पार्टी है श्रोमणी अकाली दल मजोरिटी साढ़े वर्कर ते साड़ी लीडरशिप किसान परिवारों चो है। श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है सी। श्रोमणी अकाली दल किसानों की जथेबंदी है। जे हिंदुस्तान विच जे किसान लीडर की गल ना कीता जाए सा प्रकाश सिंह बादल चौधरी देवी लाल चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है। देश की आजादी के बाद जिन्हें भी संघर्ष किसानों के होए किसानों की गल हुई तो आ तिना लीडर का ना आता तो तिना लीडर ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दी। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल उन्होंने जेल च रख्या गया कांग्रेस पार्टी ने धक्के करके क्योंकि वो किसानी के गरीब की गल करते ते जड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस उन्हें मंजूर नहीं सी। पर साड़ी पार्टी ने किते भी किसानी के मुद्दे पर किते कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जड़ी मैं गल करना चाहना आ जड़े ऑर्डिनेंस आए हैं आ जड़े ऑर्डिनेंस आए हैं पहली गल ऑर्डिनेंस लियाने तो पहले आपां नूं खास करके सरकार नूं जिहड़े किसान पक्षी जथेबंदियां किसान पार्टियां जिवें श्रोमणी अकाली दल है किसानां दी गरीब दी मजदूर दी पार्टी है ऐसियां पार्टियां नूं कंसल्ट करन दी लोड़ सी। मैं अज कहना चाहुंदा स्पष्ट कहना चाहुंदा ऑर्डिनेंस लियाउण जदों लियांदा गया श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं पुछया गया कि इस ऑर्डिनेंस विच की है ऑर्डिनेंस विच की है ते की लियाउणा है। जदों ऑर्डिनेंस लियांदा गया कैबिनेट विच उदों जिहड़े साडे रिप्रेजेंटेटिव है ऑर्डिनेंस कैबिनेट उन्होंने जरूर गल की सी कैबिनेट्स कि ऑर्डिनेंस लिया रहे हो
पर ऑर्डिनेंस विच कई ऐसी शंके है जो पंजाब के किसान या आम किसान के मन च है। सो जिन्ना तक आ शंके दूर नहीं होंगे आपां ऑर्डिनेंस नूं डिले करना चाहिए, पर जो ऑर्डिनेंस पास करता कैबिनेट ने पिछले दो महीने लगातार असी किसानां नाल गल की, व्यापारियों नाल गल की, आड़तियों नाल गल की, उन्हां दे जो शंके सी उन्हां बारे मैं पुछ पतन करन दी गल की, क्योंकि सानू आप पता सी क्योंकि किसान होने के नाते 24 घंटे किसानी खेती करते हैं। सानू पता है कि किसान नू मंडी च की तकलीफ आती है, किसान नू MSP दी की तकलीफ है, किसान नू प्रोक्योरमेंट दी की तकलीफ है। तो तुसी देखिया होना है अज जे पंजाब पूरे देश नू अन्न दिंदा है इहदा वड्डा कारण है क्योंकि पंजाब दी स्टेट ने भावें साडा 2% लैंड एरिया है, असी अज भी 50% जिहड़ी देश दी वीट दी रिक्वायरमेंट है, कणक की रिक्वायरमेंट है, पंजाब स्टेट पैदा करके दिंदा है। असी घट तो घट 40-45% जिहड़ी राइस की रिक्वायरमेंट है वह पंजाब पैदा करके दिंदा है। सो जिहड़ी आ जिहड़ी रिक्वायरमेंट सानू पता है क्योंकि इस ऑर्डिनेंस दे आ तिन्ने ऑर्डिनेंस दे सब तो वध असर जे है वह पंजाबियों ते पंजाब किसान ते है, क्योंकि जो मंडी सिस्टम पंजाब च बनया हरियाणे च बनया वह जा सिस्टम किते हिंदुस्तान च नहीं है। सो दूजे सूबियां च इहदा असर होए या ना होए मैं नहीं कह सकता, पर जो पंजाब दे किसानां दी भावना है वह चाहते हैं कि साडी जो आशंकाएं हैं साडे जो क्वेश्चन है वह आंसर मिले, पर अफसोस ना कहना पैंदा कि आंसर नहीं मिले। जिहड़ी शंका की है जिहड़ी मैं एक मिनट वास्ते मैं एंड करना चाहना है, शंका की है, मैं इस ऑर्डिनेंस की गल करना, बाकी ऑर्डिनेंस कल करूंगा। शंका की है वह कहते हैं कि जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है पहले एक लिमिट की जाती थी कि आप कितनी कर सकते हैं, पर एक्ट की हो रहा है लिमिट तोड़ दी है, इस करके जो व्यापारी है वह जिन्ना मर्जी समान ले जाए पर कोई रुकावट नहीं है। एक किसान के पास मैं गया दो तीन दिन की बात है, मैंने उनसे पूछा आप इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्यों, एक गरीब सा किसान बैठा बोला कि जैसे जब रिलायंस जियो लेके आया था उन्होंने मुफ्त कर दिया था फोन, सारे जिन्हें सब लोग जियो लेने लग गए सारी उनकी कंपटीशन जो खत्म हो गई तो उसने रेट बढ़ा दिए 10 गुने कर दिए। उनके मन में है कि ये मल्टीनेशनल अभी कम करके देंगी, सब फैसिलिटी देंगी, पर अगर जब ये इनका कंट्रोल हो गया तो उनके कब्जा कर लेना है। ऐस करके मैं चाहता हूं हमारी श्रोमणी अकाली दल किसी के दबाव के नीचे नहीं, ये हमारी पार्टी की सोच है, ये पंजाब के किसान की, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के आड़तियों की, पंजाब के जो मजदूर काम करते हैं खेतों में उनकी भावना है कि इस कानून में बहुत शंकाएं हैं, बहुत उनकी रिजर्वेशन हैं, जब तक ये रिजर्वेशन पूरा दूर ना हो ये ऑर्डिनेंस ना लाया जाए। जोरदार तरीके दे नाल आवाज जो सुखबीर सिंह बादल ने बीते दिन रखी खेती ऑर्डिनेंस नाल जुड़ी, उन्होंने अपना जो विरोध जाहिर किया खेती ऑर्डिनेंस नाल जुड़े बिल ते लोकसभा विच वोटिंग दे ले, सुखबीर सिंह बादल सिर्फ मौजूद सन जिन्होंने विरोध दे विच वोट पाई। दस दे कि कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी के सांसद नदारद सन। सो दस दे कि पिछले प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा साडे नाल इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे आं। चंदू माजरा जी, जिस तरह दे नाल लगातार श्रोमणी अकाली दल ने यह किया कि असीं किसानां दे नाल खड़े, और बीते दिनी सुखबीर सिंह बादल ने बड़े जोरदार तरीके दे नाल किसानां दी आवाज जिहड़ी रखी है, लेकिन उसके बावजूद जिहड़ा है यह बिल पेश होया, सो किथे हुण स्टैंड है श्रोमणी अकाली दल दा इस नूं लैके? देखो पहली गल तो यह कि लोक सभा अंदर श्रोमणी अकाली दल ने खेती संबंधी जिहड़े आर्डिनेंस आए ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਆਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
अपने विरसे नूं अपने इतिहास नूं एक बारी फिर ताजा किया भारत की लोक सभा अंदर किसानां ते पंजाबियां नाल खड़ के और बड़ा स्पष्ट किया कि जिहड़े लोगों लिए बिल आर्डीनेंस आए ने जिहड़े लोगों लिए तुसीं कानून बना रहे हो उन्हां लोगों नूं तुसीं विश्वास च नहीं लै रहे जिन्हां लिए तुसीं कर रहे हो उन्हां नूं बिना विश्वास विच लिया और श्रोमणी अकाली दल वर्गी पार्टी जिहड़ी किसानां दी पार्टी आ पंजाबियां दी आवाज आ और हिस्सेदार आ सत्ता दे विच उस पार्टी नूं भी भरोसे च नहीं लिया गया और इन्हां आर्डीनेंसां ने एक गल जरूर पाज खोलता कैप्टन अमरिंदर सिंह दा दोहरा चेहरा नंगा करता कांग्रेस दा दोहरा चेहरा नंगा करता कि दिल्ली होर गल करदे सी ते पंजाब विच आके होर गल करदे सी। सो मैं समझदा कि अज दा आपां कह सकदे हां कि लोक सभा विच श्रोमणी अकाली दल दे स्टैंड ने जिहड़े भुलेखे पाए सी अकाली दल बारे बहुत सारे लोगों ने खास तौर पर साडे किसान वीरां दे विच उह भुलेखे दूर हो गए ने ते जिहड़े मुखदे मियां मिठू बनन वाले सी उहनां दी असली किरदार भी नंगा हो गया। सो ये पंजाब दे लोकां लई पंजाबीआं लई इक बहुत वड्डा कदम असीं कोशिश कीती सी असीं इमानदारी नाल कोशिश कीती सी भारतीय जनता पार्टी दी लीडरशिप नूं आखरी समय तक उहनां दे प्रधान श्री JP नड्डा जी नाल असीं मुलाकात करके आए और उहनां नूं बहुत जोर नाल कह के आए कि जिन्नी देर ये शंके ने सवाल खड़े हुए ने विवाद खड़े हुए ने किसानां दे जिन्नी देर ये सॉर्ट आउट नहीं होंदे उन्नी देर बिल नूं कानून दा रूप ना दिता जावे ये सॉर्ट आउट करके ही कानून बनाया जावे ना देश दे हित च भी होएगा लोकां दे हित च भी होएगा। पंजाब ने देश दा ढिड भरिया आत्म निर्भर मुल्क नूं बनाया देश दी खड़ग पूजा दे तौर ते पंजाब नूं जाणिया जांदा ते पंजाब ने मिलीटेंसी वेले भी बहुत छेक चलिया ये सारे हालातों नूं देखदे हुए सब तो वध जे नुकसान हो रहा सी तां पंजाब दे विच हो रहा सी क्योंकि मंडीकरण सिस्टम पंजाब ते हरियाणे च ही आ इसे करके असीं पंजाब ते हरियाणे दीआं हमख्याली पार्टियां नूं भी मिले किसान जथेबंदियां नूं मिले उत्तर प्रदेश राजस्थान दे किसान आगुआं नूं मिले दिल्ली दो दिन असीं कोशिश कीती और वह सारिया भावनावां भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप दे कोल पहुंचाईआं पर अफसोस आ कि साडियां इन्हां कोशिशां ते कोई ध्यान नहीं दिता गया आखिर फिर सानूं इह स्टैंड लैणा पिआ जिहड़ा असीं बार बार कहिंदे सी कि जदों अंत नूं इम्तिहान आया जदों अंत नूं जैस नो दा सवाल आया तां श्रोमणी अकाली दल किसान नाल खड़ेगा पंजाब नाल खड़ेगा। जी जी चंदू माजू जी शुक्रिया साडे नाल गल करन लई। सो श्रोमणी अकाली दल पूरी तरह दे नाल किसानां दे नाल है इह कहिणा है चंदू माजरा जी का। सो साडे नाल डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा भी इस वेले जुड़ चुके ने उन्हां दे नाल वी गल करदे आं। चीमा जी जिस तरह नाल चंदू माजरा जी नाल गल कीती उन्हां दा कहिणा कि असीं हमेशा किसानां दे नाल सां और हुण वी खड़े आं कोशिश जरूर कीती लेकिन कामयाबी जिहड़ी है नहीं मिल पाई की हुण स्टैंड है श्रोमणी अकाली दल दा अगे? नहीं श्रोमणी अकाली दल दा पहले दिन तो ही बड़ा स्टैंड क्लियर है कि असीं किसी भी उस गल दे नाल समझौता नहीं कर सकते जिहड़ी किसानी हितां दे खिलाफ हो जी क्योंकि जदों कैबिनेट दे विच इह जिहड़े तिन्ने ऑर्डिनेंस आए सी उस वेले भी जिहड़े उत्थे साडे मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल उन्होंने पहले दिन ही इह गल उत्थे कैबिनेट दे विच कही सी जी कि पहला किसानां दे हितां दा ध्यान रखिया जाणा चाहीदा इहनूं पहला डिस्कस करना चाहीदा किसानां दे नाल क्योंकि किसानां दे मन दे विच कई तरह दे शंके आ और उस वेले जिहड़े साडे खेतीबाड़ी मंत्री आ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिहड़ा उस वेले शोहरत दित्ती सी कि MSP दे उत्ते इहदा कोई असर नहीं पएगा पर जिस तरह माहौल बनिया किसानां दे मन दे विच जिहड़े इहदे प्रति शंके तौखले जिहड़े वधे गए जिहड़े कि दूर कीते जाणे चाहीदे असीं इस वास्ते जिहड़ी है उह केंद्र दी सरकार नूं वार वार बेनती भी कीती आ क्योंकि कई तरह का प्रचार जिहड़ा एक तो सब तो वध इहदे बारे पूर्ण प्रचार जिहड़ा उह पंजाब दे मुख्यमंत्री ते रूलिंग पार्टी वल्लों कीता गया जी हालांकि 2017 दे विच सारियां इह सोधां जिहड़ियां उन्हां ने पंजाब असैंबली विच पास कीतियां सी उन्हां दे अपने मैनीफेस्टो दे विच भी इस गल दा जिक्र आउंदा सरदार मनटेक सिंह आलूवालिया दी रिपोर्ट दे विच भी इह सारियां सोधां करन वास्ते कहा गया सी पर उसके बावजूद जो कांग्रेस की पुरानी आदत है कि कहना कुछ तो करना कुछ फिर वो नाल-नाल किसानों नूं जिहड़ा प्रवोक कर रही थी कि यह चीजा तुहाडे खिलाफ है आप ये चीजा पंजाब दे विच करी जा रही थी पर उल्टा प्रचार जिहड़ा वो कर रहे थे जी असी केंद्र सरकार नूं बेनती कीती सी कि हाले हाई पावर्ड कमेटी दे आप मैंबर मुख्यमंत्री सन जिन्हां ने यह ऑर्डिनेंस बनाई
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਔਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਰਹੀ।